वेलकम टू माय चैनल अलख निरंजन एकेडमी। आज के लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओल्ड मूवी सॉन्ग, बहुत ही पॉपुलर, जिसका नाम है नागिन धुन। नागिन धुन को आप हारमोनियम पे कैसे सीख सकते हैं, यानी हारमोनियम से कैसे प्ले कर सकते हैं, सिंथेसाइजर से कैसे प्ले कर सकते हैं, इसकी नोट्स और साथ साथ प्ले करने की मेथड मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ध्यान सुनेंगे। सी शार्प नोट से सा रे ग म प ध नि सा रे ध प म ग रे सा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इजी तरीके से हारमोनियम से आप नागिन धुन कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने नोट्स बताया, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, रे नोट से पहला पार्ट देखेंगे ध्यान से कैसे है। रे सा ग सा रे नी सा नी, रे सा ग सा रे नी सा नी, रे सा ग सा रे नी सा नी। सा रे कोमल ग और लो ऑक्टेव में कोमल नी। अब इसको लयकारी में जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको कैसे बजाएंगे, रे सा ग सा रे नी सा नी, रे सा ग सा रे नी सा नी, रे सा ग सा रे नी सा नी, रे सा ग सा रे नी सा नी। सेकंड पार्ट सा ग प ध प ध प ध प, एक फिंगर से देखिए सा ग प ध प ध प। अब दोनों के एक साथ बजाएंगे तो कैसे होगा, रे सा ग सा रे नी सा नी, रे सा ग सा रे नी सा नी, सा ग प ध प ध प, सा ग प ध प ध प। नेक्स्ट रे ग म प म प म, रे ग म प म प म, ये स्पीड में करना पड़ेगा आपको। ग म रे ग सा ग ग म रे ग सा ग म रे ग म रे ग सा ग म रे ग सा ग म रे ग सा। पहला पार्ट हुआ रे रे सा ग सा रे नी सा नी, रे सा ग सा रे नी सा नी। सेकंड सा ग प ध प ध प ध प, रे ग म प म प म ग म रे ग सा। थर्ड रे ग, रे ग म प म प म ग म रे ग सा। अब तीनों को एक साथ प्लस करके जोड़ करके जब बजाएंगे तो कैसा लगेगा, देखिए सुनने में कितना अच्छा लगेगा। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट म्यूजिक पीस, ये फर्स्ट फर्स्ट म्यूजिक पीस थी। सेकंड पा म ग पा म ग, टू टाइम पा पा म ग पा म ग, ध पा म टू टाइम नी ध प नी ध प, कैसे हुआ पा म ग पा म ग ध पा म ध पा म नी ध प नी ध प। यहां तक करने के बाद अब एक फास्ट अलंकार यहां पर जुड़ेगा, कैसे सा नी ध प नी ध प म ध प म ग म ग रे सा नी ध प नी ध प म ध प म ग, कैसे प म ग प म ग प म ग ध प म ध प म नी ध प नी ध स नी ध प नी ध प म ध प म ग म ग रे। फिर वही सा ग प ध प ध प ध प, रे ग म प
अभी एक साथ सबको, यानी ये स्टार्टिंग की जो पीस है म्यूजिक की सॉन्ग से पहले की, तो इसको मैंने दो पार्ट बताया। फर्स्ट पार्ट को फिर से ध्यान से देखिए, क्या नोट्स बजा, रे सा ग सा रे नि सा नि रे सा ग सा रे नि सा नि रे सा ग सा रे नि सा नि सा ग पा ध पा ध पा ध पा रे ग मा पा मा पा मा ग म रे। ये फर्स्ट पीस हुआ म्यूजिक का। एंड सेकंड पा म ग मा म ग ध पा म ध पा म नि ध म नि ध सा रे ग म नि ध म ध म ग म ग। और इसके बाद फिर वो फर्स्ट जो पीस है उसी में से जुड़ेगा, सा ग प ध प ध प ध प रे ग म प म प म ग म रे ग। अब दोनों को एक साथ देखिए फाइनल, रेडी वन टू थ्री स्टार्ट। पीस म्यूजिक का। इसके बाद अब गाना मन डोले मेरा तन डोले मेरा दिल का गया करार रे, अब कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले मेरा दिल का गया करार रे, अब कौन बजाए। म्यूजिक का पार्ट से यहाँ लगता है, जब ओरिजिनल सॉन्ग सुनेंगे तो कैसे है, रे म सा रे म ग सा रे म ग म, कैसे अब कौन बजाए बांसुरिया। और इसका पीस लहरा इसके बाद तब आता है अंतरा। अंतरा में यहाँ प से मधुर मधुर सपनों में देखी मैंने राह नवेली, प प प ध ध हाई ऑक्टेव सा 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 नी ध ब ध नी, देखेंगे यहाँ पे इतना ही प ध नी सा, ये चार नोट्स में अंतरा की लाइन निकल रही है। मधुर मधुर सपनों में देखी मैंने राह नवेली, और फिर एक फिलर यहाँ पे आता है कैसे, सा नि ध सा सा नि ध नी ध प ध प म नि ध प, फिर से सा नि ध नी ध प ध प म सा नि ध धनी धप धप मनी धप।
ये फोर नोट्स पे जो अंतरा की लाइन निकल रही है कि मधुर मधुर सपनों में देखी मैंने राह न मेरी, फिर फिलर लगाइए सारी धनी इसी फोर नोट्स पे फिलर के बाद अंतरा की सेकंड लाइन छोड़ चली मैं लाज का पहरा जाने कहां अकेली, और फिर इसके बाद लास्ट अंतरा की लाइन आती है जाने कहां अकेली जाने कहां अकेली, रस भूले भूले स्थाई की फिर वही लाइन आ जाएगी यहाँ पे कैसे मधुर मधुर सपनों में देखी मैंने राह न मेली, छोड़ चली मैं लाज का पहरा जाने कहां अकेली चली से पूरे नोट्स अंतरा भी जो फोर नोट्स पे मैंने बताया सभी अंतरा इसी नोट्स पे है, और बाकी स्टार्टिंग की पहले की म्यूजिक पार्ट्स उसको निकाल लेंगे और उसके बाद स्थाई और अंतरा फिलर भी मैंने बता दिया है। ओके आज तक के लिए बस यहीं तक, थैंक यू एवरीवन।